हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जो है वो जारी हो चुका है। और ये जो लेटर जारी हुआ है वो पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविका बहनों के मोबाइल नंबर को अपडेट करने के संबंध में जारी किया गया है। मोबाइल नंबर आप लोगों का किस प्रकार से अपडेट किया जाएगा पोषण ट्रैकर ऐप में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उन तमाम आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए भी आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब जो है उनका मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। सभी सेविकाओं का मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप में एक बहुत बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। वो बदलाव क्या होने जा रहा है आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सभी सेविका बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। सारी चीजों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो बहनों, अब आप लोग यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ये जो लेटर है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। दिनांक यहाँ पे देख पाएंगे 23/9/2024, यानी कि ये जो लेटर है वो लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। इसका जो संचिका संख्या है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार। तो ये जो लेटर है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए है। क्योंकि जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से जो लेटर जारी होता है उस लेटर में भारत की सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इस लेटर का विषय दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मोबाइल संख्या अपडेट करने के संबंध में। देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो पत्रांक है इसके साथ ही जारी किया गया है। नीचे आप लोग देखेंगे इस लेटर के विषय में क्या लिखा गया है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में OTP आधारित लॉगिन का प्रावधान किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को बता दूँ कि ये जो लेटर है वो भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में OTP आधारित जो है लॉगिन करने के संबंध में। जैसे कि जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं जिनका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा तो पोषण ट्रैकर ऐप में जो है एक बड़ा बदलाव होगा। उस बदलाव में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो है अब OTP बेस जो है वो लॉगिन करने का जो है ऑप्शन उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल आप लोगों का यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से वेरीफाई किया जाएगा उसको ध्यान से देखिएगा। जिसके लिए पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मोबाइल नंबर जो है उसको अपडेट किया जाना अति आवश्यक है ताकि सेविका को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में निर्बाध रूप से कार्य करने में कठिनाई नहीं हो। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो है आप लोगों का मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये जो वेरिफिकेशन है वो महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं का मोबाइल संख्या जो है उसको वेरीफाई करने की प्रक्रिया संबंधित फ्लो चार्ट के अनुसार जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं का किया जाएगा। इसके संबंध में जो है महिला पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करके 30 सितंबर 2024 तक पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड में आवश्यकता अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं का मोबाइल संख्या अपडेट करना सुनिश्चित करेंगी, ठीक है। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो मोबाइल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो LS के माध्यम से की जाएगी और ये जो टाइम है वो 30 सितंबर तक टाइम दिया गया है कि 30 सितंबर तक जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का मोबाइल वेरिफिकेशन है वो पोषण ट्रैकर ऐप के डैशबोर्ड पे यानी कि LS के ID से जो है उनका मोबाइल वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो जब आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर LS पहुँचेंगी तो आप उनको जो नया मोबाइल नंबर है उसको प्रोवाइड करा दीजिएगा कि हमारा मोबाइल नंबर पहले का जो है वो गुम हो चुका है, इस नंबर को आप लोग अपडेट कर दीजिए। तो वहाँ पे जो है आप लोगों का मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अब आप लोगों का मोबाइल नंबर अपडेट हो जाने के बाद कि अब आप लोगों को OTP बेस लॉगिन के माध्यम से आप लोगों को वहाँ पे काम करना होगा। जैसे कि अभी आप लोग फिलहाल MPIN से जो है लॉगिन करके काम कर रही हैं तो आने वाले टाइम में जो है अब OTP बेस जो है वहाँ पर लॉगिन करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो है वो आंगनबाड़ी सेविका बहनों का मोबाइल वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है जो कि 30 सितंबर
सितंबर तक आप लोगों के पास टाइम है, 30 सितंबर तक जो है आप लोगों का मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।